हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं आपके लिए आम पुदीने का पना बना रहा हूँ। जब गर्मियाँ शुरू होती है ना, कच्चे आम मिलने शुरू होते हैं और कच्चे आम के साथ बड़ी सारी मज़ेदार चीज़ें बनती। आम का पना खासतौर से क्योंकि गर्मियों में पीने से ठंडक आती, इसलिए आम पुदीने का पना बना रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले कच्चे आम लेके आपने उबालना, कुछ लोग रोस्ट भी करते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में रोस्ट करने का साधन खत्म हो गया, या तो ओवन किसी के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता। बेस्ट चीज़ आप बॉयल कर लें, ठीक है जी। बॉयल तब तक करें मतलब कि प्रेशर कुकर में डालें और पानी डाल के इसे उबालें, कम से कम 15-20 मिनट तक उबालें। 2-3 सीटी के बाद धीमे कर लें, आराम से उबलने दीजिए। सॉफ्ट जब हो जाए निकाल लें और ठंडा कर लें। उसके बाद ये लीजिए, मैं पील करके जो फ्लैश है वो निकाल लेता हूं। मैंने यहां पे 3 आम लिए हैं और उनको मैंने पील करके रख लिया, बॉयल करके, ऑफकोर्स बॉयल किया, ठंडा किया, पील करके रख लिया। अब इसमें शक्कर आम तौर पे यहां पे मैं 1/2 कप डालूंगा शक्कर। आप मीठा जो है खुद चेक कर सकते हैं बाद में कि आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। नमक भी इस वक्त मैं 1 चम्मच सादा नमक डाल रहा हूँ, 1 चम्मच काला नमक डाल रहा हूँ छोटा वाला कोर्स, और जीरा ये भी 1 छोटा चम्मच डाल रहा हूँ यहाँ पे। ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, और पुदीना के पत्ते ये ढेर सारे लेके डाल रहा हूँ। लगभग आप 1/2 कप पुदीना के पत्ते ले लें, और गिनती करने जाएंगे तो 20-25 पुदीना के पत्ते होंगे। इसमें 1 नींबू का रस, 1/2 कप मैंने ले लिया, ये सारा मिश्रण इसमें डाल लेते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी वो भी मैं इसमें डाल लेता हूं, 1/2 कप, और साथ साथ बर्फ ये भी डाल ली। ये जो गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है, कम गाढ़ा है, ज़्यादा है, ये आप ज़रूर अपने आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं, कम गाढ़ा चाहिए तो पानी ठंडा ज़्यादा मिला सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा सॉल्ट कितना है, काला नमक कितना है, जीरा सही है नहीं, ये बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये मैं यूज़ करके पीस रहा हूँ, पानी ज़रूर डालूंगा बाद में, लेकिन पहले पीस लेते हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, इस वक्त ये बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है, इसलिए मैं पानी मिलाऊंगा, लेकिन टेस्ट भी चेक कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, पानी मिला लेते हैं और पानी इसमें 1 कप और मिला लिया। हेलो जी, आम का पना, पुदीना आम का पना, और अब वापस एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने पानी डाला है, काला नमक और 1 छोटा चम्मच काला नमक, जीरा 1/2 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच और कुटी हुई काली मिर्च, नमक 1/2 छोटा चम्मच, और शक्कर जो है
ये एक बड़ा चम्मच डाल, नींबू का रस एक और डाल लेते हैं, अब इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब ये बिल्कुल मिश्रण तैयार है, इसे आप फ्रिज में रखें, जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें, ठंडा बिल्कुल परोसेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और परोसने का तरीका मेरे पास कुछ अलग हटके, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्लेट ले लेते हैं, प्लेट में थोड़ा नमक, ये फ्री फ्लोइंग सॉल्ट जो मेरे पास है ये ले लेते हैं, और इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाता हूं मैं, ये लीजिए। तो थोड़ा सा नमक ले लें, एक बड़ा चम्मच नमक, और लगभग उतनी ही लाल मिर्च ले लें। ये आप देख लें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए मिश्रण, ये बन जाए फ्री फ्लोइंग। और अब ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया, माठिनी ग्लास, ये नींबू रिम पे लगा लेता हूं, ये लीजिए, और वाह, रिम हो गई तैयार। ये लीजिए, परोसने के लिए और कुछ पुदीने के पत्ते बस यूं ही डाल लेते हैं ऊपर से। वाह क्या बात, पुदीने आम का पना, आम का सीजन है जी, अभी मिस मत करिएगा, बड़ी मजेदार चीज है, सेहत के लिए भी अच्छी है और पीने के लिए तो वैसे ही अच्छी है।